से लाए दो बिल्ली। दो बिल्ली। बिल्ली ने मारा पंजा। बिल्ली मारे पंजा। मामा हो गया गंजा। गंजा। किसी टेडी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रंजना वेजपुर चैनल में। आज हम फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए हुए हैं। आप लोग हमारा वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। आज हम आप लोगों को जो है नाश्ता शेयर करेंगे, और आज जो हम नाश्ता बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल रहेगा और बहुत ही ज़्यादा अम्मी भी रहेगा। तो चलिए अभी चलते हैं चूल्हा के पास और आप लोग को बिल्कुल नई और ट्रेडिशनल रेसिपी बना करके दिखाते हैं। चलो अपने चूल्हा के पास आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है आलू। आलू को पहले पानी में डाल करके बढ़िया से धो के साफ करना है। चूल्हा में मैंने आग जला लिया हुआ है। अब चूल्हा पर रखेंगे पतीला। आलू को हम उबालेंगे। पानी भी मैंने डाल दिया हुआ है। अब ढक देते हैं और आलू को अच्छे से उबलने देते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने लिया हुआ है चावल का आटा। तो अभी इसमें हम नमक भी मिलाएंगे। तो नमक डाल देते हैं और अच्छे से कर देते हैं मिक्स। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा गूंथ करके तैयार कर लेते हैं झटपट से। अभी यहाँ पर मैंने आटा को अच्छे से गूंथ के तैयार कर लिया हुआ है। मछली जल की रानी सुनो बेटा, ऐसे ऐसे कर। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। आओ सुनाओ आलू का चालू वाला सुनाओ। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? बैगन की टोकरी में सो रहे थे। बैगन ने रात भरी मोरे थे। पापा ने पैसा दिया खा ले, नाच रहे थे। मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। भैया ने लड्डू दिया खा रहे थे। चल बजाओ और तुम पोएम सुनाओ। जानी जानी वाला सुनाओ तुम, बोलो। अच्छा ऊपर पंखा चलता है। हाँ सुनाओ। नहीं तुम सुनाओ, बोलो। हाँ बोलो। ऊपर पंखा चलता है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, तुम हमारे तुम्हारे। दिल्ली से लाए दो बिल्ली। दो बिल्ली। बिल्ली ने मारा पंजा। बिल्ली मारे पंजा। मामा हो गया गंजा। गंजा। अब जानी जानी सुनाओ। नहीं तुमको आता है कि नहीं, बोलो। जोनी जोनी इस पापा। हाँ जानी जानी इस पापा। ईटिंग सुगर नो पापा। टेलिंग अ लाई नो पापा। नो पापा। ओपन योर माउथ। यहाँ पर मैंने हरी मटर लिया हुआ है। हरी मटर का हम छिलका उतार लेते हैं। अब ढक्कन हटाएंगे और आलू अपना चेक करेंगे। तो चेक क्या करना है, ये देखिए आलू एकदम जो है फाट गई है। इसका मतलब है आलू हमारा उबल चुका है। नहीं। आलू में ठंडा पानी डाल करके आलू का छिलका उतार लेते हैं। प्याज मैंने काट लिया है। अब यहाँ पर हम टमाटर काट रहे हैं।
चूल्हा पर कढ़ाई रख लिया हूँ, कढ़ाई में डाल लेते हैं तेल। तेल हो गया है गरम, मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा। जीरा हमारा चिटक रहा है। अब यहाँ पर मैंने लिया हुआ है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, इसको डाल देते हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। तड़का मैंने हल्का सा पका लिया हुआ है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ एक कटा हुआ टमाटर और जो है हरी मटर, इनको भिजा करके पका लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं सब्जी मसाला, स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। तो मसाला में ही नमक मिलाए रहेंगे तो हमको जो है आलू में मिलाते हैं बहुत आसानी रहेगी, अच्छे से जो है नमक मिल जाएगा। तो उबली हुई आलू को ऐसे फोड़ करके हम इसी में मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा यम्मी आज जो है हमारे यहाँ नाश्ता बन रहा है, सब खाएंगे तो एक बार खाते ही रह जाएंगे। आलू को मसाला में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऊपर से जो है बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। तो आलू की ये हमारी फीलिंग बनके हो गई है तैयार। अभी देखिए हम यहाँ इधर आ गए हैं, ये है कटहल का पेड़। तो हमें कटहल नहीं लेना है, कटहल के पत्ता लेना है। तो यहाँ पर जो है ये सब कटहल का जो पत्ता है, अभी देखिए नया नया निकल रहा है, एकदम फ्रेश फ्रेश है। तो जो है पत्ता पत्ता हम तोड़ लेते हैं। आज की जो रेसिपी बनेगी पत्ते में बनेगी, तो ढेर सारी पत्तियाँ से हम तोड़ के ले लेते हैं। तो सभी पत्तियों को हम यहाँ पर धुल लेते हैं। इतना पत्ता मैंने जो है लिया हुआ है, दोबारा से मैंने पतीला रख दिया हुआ है। अब पतीला में डाल देते हैं पानी। पानी को हमें अच्छे से गर्म करना है। ये मैंने लिया हुआ स्टैंड, रोटी रखने वाला स्टैंड है, इसी पे हम लोग रोटी बना के रखते हैं। तो इसको ऊपर हम इसको रख देते हैं और उसके बाद एक ढक्कन से हम जो है पानी को एकदम से ढक देते हैं। तो पत्तल का ये जो डंठल है इसको हमें काट के निकाल देना है, देखिए इस तरीके से। जितना कड़क था उतना हमने निकाल दिया हुआ है और फिर इसको बाद इसको इस तरीके से लेना है और ऐसे ये देखिए इस तरीके से हमें मोड़ देना है। ये देखिए जिस तरीके से जो है कुल्फी होती है बिल्कुल उस तरीके से हमें बनाना है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए बगल में मैंने पतला सा सीक ले रखा है, इसी से जो है हम इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। आज मैंने देखिए इसको कवर कर दिया हुआ है, बंद कर दिया हुआ है। तो अभी हमारी जो है बनके तैयार। तो चलिए सेम वैसे ही दूसरा बनाते हैं। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट उठाकर कैसे करना है, फिर इसके बाद हमें यहाँ पर सीक से जो है ढक देना है। ये देखिए, ये देखिए हमारा दूसरा भी कुल्फी बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर इतना मैंने जो है बना लिया हुआ है। तो अब जो मैंने चावल काटा रखा हुआ है इसके अंदर जो है चावल काटा रख लेते हैं। तो देखिए बगल बगल मैंने जो है चावल काटा लगा दिए हुए, बीच में जगह है। तो बीच में हम क्या करेंगे, जो आलू का मैंने स्टफिंग तैयार किया हुआ इसको रखेंगे, इस तरीके से भर देंगे। अब हम थोड़ा सा चावल काटा लेंगे, लोई बनाएंगे, फिर इसके बाद ऐसे इस तरीके से और इसके ऊपर जो है चावल काटा रख करके इसको ढक देंगे। ये देखिए तो पूरी तरह से मैंने इसको ढक दिया हुआ है। चावल काटा बगल बगल लगा दिया है, बीच में भरेंगे ये आलू का जो मैंने स्टफिंग तैयार किया हुआ है इसको। मम्मी अब इससे जो है ढक देंगे हम। ये देखिए तो यहाँ पर देखिए पानी हमारा बहुत ही अच्छे से हो गया है गर्म और इधर देखिए मैंने इतना ढेर सारा जो है बना के कर लिया हुआ तैयार। तो अभी इसको जो है हम यहाँ स्टैंड से रखते हैं। तो देखिए अभी इतना ढेर सारा मैंने रख लिया हुआ है, तो इसको भी हम जो है ढक्कन से ढक देते हैं। तो
अब इसको हम जो है भाप में पकने देते हैं कुछ टाइम के लिए। तो अब हमारा पक रहा है, तब तक इधर हम बाकी का और भी बना लेते हैं। तो दोबारा से ढक्कन हटा करके अब जो है हम, ये हमारा जो है पक चुका है। देखिए सिर्फ हमें चावल को ही पकाना था, फीलिंग तो हमारी अंदर से पकी ही है। तो चलिए एक एक करके पूरा हम निकाल लेते हैं। एक घन मैंने निकाल दिया हुआ पका करके, अब दूसरा वाला रख देते हैं पकने के लिए। तो दोबारा से भी जितना मैंने बनाया था मैंने रख दिया हुआ है, अब इनको हम जो है ढक्कन से ढक देते हैं। तो अभी देखा हल्का हल्का ठंडा हो गया है, तो सीक निकाल करके पत्ती हटा करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए दोस्तों, लग रही है ना एकदम अमेजिंग और जो है ट्रेडिशनल रेसिपी। बाकी की भी पूरी कुल्फी जो है हम इस तरीके से निकाल के रख देते हैं। ये देखिए, ये इसके अंदर की फीलिंग्स है। चाहे तो इसको ढक के खाइए, चाहे तो इसको इस तरीके से हटा करके फिर खाइए आप। अभी जो है कुल्फी बच्चे लोग को दे देते हैं। लो लगाओ, बस खाओ खाओ भाई, चीजी बन गई। तो कम से कम हम इसको 10 मिनट के लिए जो है भाप में रख रहे हैं पकने के लिए। 10 मिनट के बाद जो है ढक्कन हटा करके इसको फटाफट से निकाल करके रख लेते हैं। 10 मिनट में ही हमारा जो है ये बढ़िया से पक के हो जा रहा है तैयार। तो तीखा तो मैंने इसके अंदर जो है फीलिंग्स भरा हुआ है, खाने में बहुत अच्छा आ रहा है, बच्चे लोगों ने खाया है। और अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप इसको जो है टमाटर का सॉस ले सकते हैं, या फिर जो है तीखी चटनी के साथ ले सकते हैं, उससे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा यम्मी आएगा। तो बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। तो देखिए इतना दोबारा मैंने दूसरा घान निकाला हुआ, एक घान निकाले हुए थे ख़त्म हो गया है। और इधर देखिए मैंने और पकने के लिए रख दिया हुआ है, पक रहा है। खबर है अच्छा रहे कि नहीं खाने में? हाँ अच्छा है, बच्चे लोग बहुत ज्यादा पसंद है। तो हम इसको जो आलू कुल्फी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आलू का फीलिंग भरे हुए है और कुल्फी की तरह है ये। तो अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों। तो इस होली कुछ नया हो जाए और कुछ अलग हो जाए, तो इसको आप लोग अगर बनाएंगे तो इसको बच्चे तो बहुत ही प्यार से खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चे कितने प्यार से इसको खा रहे हैं। एक खा चुके हैं, ये दोबारा खा रहे हैं, इसीलिए मैं जो है अभी और बनाऊंगी। बनाने में काफ़ी टाइम लग गया है, तो इतना मैंने आप लोग को बना के दिखा दिया हुआ है। अभी ढेर सारा हमारे पास बैटर भी बचा हुआ है और फीलिंग्स भी बची हुई है।